मुझे तो लगता है कि शौर्वरी शॉपिंग अपने लिए नहीं बल्कि पार्थ के लिए करने गई होगी। जरूर उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद के लाएगी वो। हाँ। किसी मजबूरी में माता जी सब सच जानते हुए भी मैं इन लोगों को बता भी नहीं सकती कि सर्वरी सामान लेने नहीं बल्कि अपने इलाज के लिए गई है। चलिए जब वो आएगी तब आएगी, तब तक क्यों ना अंपारत को वो कोई झटका देने वाली प्लानिंग करे। हाँ इतने झटके तो दे चुकी हूँ। अब और क्या बाकी है? ये हो क्या गया है तुम्हें? तुम इसे इस तरह से बात कैसे कर रही हो? जो जिस लायक होता है उससे वैसे ही तो बात की जाती है। आप लोगों को तो अंदाजा भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब तक सच सामने आएगा तब सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा। शौर्वरी बहू अपने गुस्से में भूलती जा रही है कि बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए। जवाब दो ने बाबूजी, आप शौर्वरी बहू की बातों से अपना जी क्यों खट्टा कर रहे हैं? अब बड़ों का सम्मान करना तो दूर दूर की बात है, उसने तो पार्थ के साथ भी अपना रिश्ता भुला दिया है। देखा नहीं बा आपने कैसे खा लिया था ही थी वो, कोई गिफ्ट विफ्ट लेने नहीं गई थी। पता नहीं कहां गई थी। सर्वरी ने मुझसे वादा नहीं लिया होता ना मैं आप लोगों को बता देती कि वो क्यों जानबूझकर आप लोगों से दूर होने की कोशिश कर रही है। अम्बे माता जी, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सको। दिखाओ ना कोई चमत्कार और सर्वरी की बीमारी को खत्म कर दो, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगी। तुम्हारे कपड़े कहाँ गए हैं? सूटकेस में। सूटकेस में क्यों? मैंने तो भी कुछ दिनों की मोहलत दी थी ना बात, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो मेरा शक खत्म करने के लिए। आज नहीं तो कल तो मुझे जाना ही होगा ना।
बात रुको, बात रुको, छोड़ो मेरी बात, छोड़ो। छोड़कर जाने की बात कर रही हूं, जिंदगी हो तुम मेरी, तुम हो तो मेरी सांसें हैं, और क्या हुआ है हमारे बीच में, एक छोटी सी गलतफहमी, और उसके लिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे हमारे बीच में कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, और जो तुम चाह रही हो मैं वो कर रहा हूं, जो चाह रही हो वो कर रहा हूं, तुम चाहती हो मैं इस कमरे में ना रुकूं, मैं चला गया इस कमरे से, और भी कुछ चाहती हो तो कहो, मैं करने के लिए तैयार हूं, कर लूंगा मैं वो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर जाने की बात तुम सोचना भी मत, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई ना कुछ नहीं पाऊंगा मैं। खुशी कम है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और खुश हैं। जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तुम्हें शीशे के सामने आ जाना, ये स्माइली तुम्हें हमेशा याद दिलाते रहेगी कि तुम्हारी शॉर्बरी को तुम्हारे फेस पर स्माइल पसंद है, उदासी नहीं। सात दिनों के लिए एक निशानी, इतनी कंजूसी, हर दिन के लिए निशानी दो तो कुछ बात बने। हैप्पी बर्थडे बात।